बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह हम ईडियम्स के बारे में पढ़ेंगे और ईडियम्स को ट्रांसलेशन के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, जुमलों के साथ पढ़ेंगे और उसका मुकम्मल मतलब समझेंगे कि हमें याद रहे और हम पेपर में उसको वापस रिट्रीव कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला ईडियम है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब है एकॉम्प्लिश करना, यानी मुकम्मल करना। तो इसको सेंटेंस में हम यूज करेंगे, दे कैरी आउट द मिशन सक्सेसफुली, यानी उसने मिशन को सक्सेसफुली मुकम्मल किया। तो इसको हम इस तरह याद करेंगे। ये हमारे पास CSS में भी आ चुकी है, ये वाला idioms carry out, जिसका मतलब है accomplish करना, यानी मुकम्मल करना। They carry out the mission successfully। इसके बाद second हमारे पास है taken over। taken over का मतलब है assume control, यानी charge संभालना। तो इसको हम a sentence में यूज करेंगे, the pilot told his co-pilot, यानी पायलट ने अपने को पायलट से कहा टू टेक ओवर दी कंट्रोल, कि वो चार्ज संभाल ले। दी पायलट टोल्ड हिज को पायलट टू टेक ओवर दी कंट्रोल। इसके बाद हमारे पास है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है कॉज टू हैपन। तो इसको हम यूज करेंगे सेंटेंस में, शी होप्स टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन हिज एटीट्यूड, यानी वो अपने बिहेवियर में एक चेंज लाने के लिए उम्मीद रखती है। यानी कॉज टू हैपन, यानी कुछ होना, प्रोड्यूस होना, कुछ होना, ब्रिंग अबाउट कुछ लेकर आना। इसके बाद हमारे पास है बीट आउट। बीट आउट का मतलब है यानी किसी चीज को मार मार के सीधा करना, ठीक करना, उसको ट्यून करना, उसको नॉक करना। तो इसका मतलब है नॉक इन टू शेप बाई बीटिंग, यानी मार मार के उसको अच्छी पोजीशन में ले आना। शी मैनेज टू बीट आउट ऑल डेंट्स इन दी कार, यानी उसने कार में जितने भी डेंट्स थे उनको अच्छी तरीके से मैनेज किया, बीट आउट करके मैनेज किया, सीधा कर दिया, यानी कार में जितने भी डेंट्स थे उनको ठीक कर दिया। इसके बाद हमारे पास है बियर विद। बियर विद का मतलब है टॉलरेंट विद समवन, यानी किसी के साथ टॉलरेंट रहना। तो इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, बियर विद इवल एंड एक्सपेक्ट गुड, यानी बर्दाश्त करो गलतियों को और नेकी की उम्मीद रखो और अच्छाई की उम्मीद रखो। तो ये थे हमारे कुछ जबरदस्त रेडियम जो हमने यूज किए ट्रांसलेशन में भी और जुमलों में भी, और इसका मतलब समझ गए। ये थे कुछ जबरदस्त से idioms जिसको हमने डिटेल में देखा। इसी तरह के जबरदस्त idioms देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।